आज विधानसभा का सेशन था हरियाणा का, और हमारे साथ हैं आदित्य चौटाला जो कि INLD से जीत के आए हैं। सर कैसा रहा पहला दिन आपका आज? बहुत बढ़िया। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हुआ है सर्वसम्मति से, दोनों को बहुत बधाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दोनों का राजनीतिक करियर इंडियन नेशनल लोकदल से शुरू हुआ, चौरी देवीलाल जी के सानिध्य में, चौरी देवीलाल जी के साथ साथी के तौर पर। और आज इस सदन का मैं भी नवनिर्वाचित सदस्य हूँ, तमाम 40 सदस्य नए इस दफा आए हैं, सभी सदस्यों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक ग्लोरियस एरा था NLD का, लेकिन फिर डाउनफॉल आया, लगता है रिवाइवल होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे 100% रिवाइवल होगा। और 2029 में इंडियन नेशनल दल सरकार बनाएंगे, आप भी यही होंगे, मैं भी यही होंगे। पंजाब और हरियाणा में पराली एक बहुत बड़ा मसला है, और हरियाणा में खास करके जींद, हरियाणा में इशू नहीं है, पंजाब में इशू है। और बड़ी हमें बड़ी विडंबना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जो है वो ये कहता है कि हरियाणा पराली के कारण प्रदूषण हो रहा है, और सरकार उसके मुख्यमंत्री कहने पे किसानों में पर्चे दर्ज कर रही है। बहुत चिंताजनक बात है। निश्चित तौर पे आम आदमी का, हमें आम आदमी के एजेंट के रूप में हमारी सरकारों को काम नहीं करना चाहिए। तो पंजाब में भी ये किसान जो है वो गुस्से में है कि सरकार FIR दर्ज कर रही है, हरियाणा में भी सीन है। हरियाणा में सरकार कह रही है किसान हितैषी, इसी से पता लग रहा है कि जब किसानों पर पर्चा डाल रही है तो कहाँ हितैषी है। इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट निकालना चाहिए, ना कि पर्चे सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट नहीं है। आदित्य चौटाला NLD से चुन के आए हैं, जिन्होंने कहा कि पराली की समस्या वहां नहीं है, और ये गलत है कि जिस तरह किसानों पर पर्चे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदी के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी।